हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है रोबोटिक मॉप MI का, वैक्यूम क्लीनर प्लस मॉपिंग। चार्जिंग पोर्ट पे लगा हुआ है ये, और आज इसका करेंगे रिव्यू। इसको लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने डाल रखी है, अभी जस्ट कुछ देर पहले इसने क्लीन अप किया है। तो ये देखिए, डस्ट बॉक्स भरा हुआ है, डस्ट कंपार्टमेंट हैज बीन रिमूव्ड। और इसको रिमूव करके क्लीन करना होता है। ये देखिए, काफ़ी अंदर डस्ट इसने ले रखा है। इसके साथ दो अटैचमेंट आए थे, एक ये और एक ये, जिसमें वाटर कंपार्टमेंट दिया हुआ है। इसमें पानी फिल करना होता है, और इसको आप इसमें लगा दीजिए। Starting to charge. 2-in-1 dust compartment with water tank has been installed. और ये इसका मॉपिंग बेस है, जो इसके पीछे में लग जाता है, और फिर ये फ्लोर को मॉप करता है। इसमें मोड्स दिए हुए हैं, आप केवल वैक्यूम का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल मॉपिंग का, या फिर बोथ वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग। ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ्स के यूजेस में इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, यानी कि वीक में हर दिन यूज़ नहीं किया है इसको, वीक में 2 या 3 बार यूज़ किया है। और चूंकि हमारे घर में उतने लोगों का आना जाना नहीं है, तो कमरे ज़्यादातर साफ रहते हैं, इसीलिए रेगुलर क्लीनअप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस एरिया में डस्ट काफ़ी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैक हो गया है और डस्ट है, काफ़ी डस्ट है। अब ये क्लीनअप कैसा करता है, तो डस्ट पिकिंग इसका अच्छा है। और इसके बैक में मैं आपको दिखाऊं, पहले ये वाटर कंपार्टमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि मे बी इसमें सब वाटर इज लेफ्ट। इसको निकाल अब ये देखिए, ये इसका वैक्यूम सेक्शन का ब्रश दिया हुआ है। अब इसमें चीज़ें फंस जाती हैं, जिसमें क्लीन करने के लिए इसको आप आसानी से यहाँ से खोल सकते हैं। ये खुल गया और ये निकल जाता है। इसके साथ ब्लेड दिया हुआ था, जिससे आप इसको कट करके ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो एक ये है कि ये आपका सरफेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें ना फंसे। बट हर एक क्लीनअप के बाद इसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका ब्रश अच्छे से काम करे। एक ब्रश यहाँ भी दिया हुआ था, ये वाला ब्रश, जो कि डस्ट को घूम के कलेक्ट करता है। और ये देखिए कि ये टूट भी चुका है, ऑल्दो इसका एक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कराया है, यानी कि एक्स्ट्रा दिया है। और ये व्हील्स हैं, व्हील्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे जगहों पर ये अटक जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ऑब्स्टिकल थोड़ा बहुत मिलता है। कारपेट पे ये बहुत अच्छा रन करता है, कारपेट पे इजीली ये मूव कर लेता है, और कारपेट क्लीनिंग भी इसकी अच्छी है। ऑब्स्टिकल्स जो है नॉर्मल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जिम वाला रखा हुआ है इक्विपमेंट्स, तो ये जो मैट है इस पर ये आसानी से ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर जो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे फिर सिग्नल आ जाता है कि रिमूव द ऑब्स्टिकल, और फिर आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल क्लीनिंग का सेटिस्फेक्शन लेवल कहें तो ह्यूमन लेवल की क्लीनिंग नहीं है, ऑफकोर्स ये रोबोटिक क्लीनिंग है। मॉप की क्लीनिंग जो है वो नॉर्मल, जैसे पानी डाल करके आप इसको फैला देते हैं, बस उस तरह की क्लीनिंग है, क्योंकि इसमें ये प्रेशर नहीं लग पाता जो हाथों से प्रेशर लग पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या है कि ये जो डस्ट, ये जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है वाटर कंपार्टमेंट, इसमें काफ़ी कम पानी आता है, पूरा घर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये पानी फिर कम पड़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या है डिटेक्शन में ये कि ये मैप ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता कई बार, और एक ही जगह पे बार बार क्लीन करता रहता है, तो वो एक अपडेट की इसमें ज़रूरत है। ओवरऑल ये वैक्यूम क्लीनर स्टैंड अलोन वैक्यूम क्लीनर के जितना पावरफुल नहीं है, बट ये अपना काम सही सही कर लेता है, अगर आप इसको रेगुलर क्लीन करते रहो, और आपका टाइम
काफ़ी बच जाता है, आप बाकी चीज़ें कर सकते हो जिस टाइम में डस्टिंग मॉपिंग हो रही है। कंडीशन ये है कि आपके फर्श पे कोई चीज़ें गिरी हुई नहीं होनी चाहिए जिससे कि ऑब्स्टिकल क्रिएट हो और आपको बार बार वो जाकर के ऑब्स्टिकल हटाना पड़े। सक्शन ठीक ठाक है, मॉपिंग उतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई दाग पड़ा हुआ है तो ये दाग नहीं क्लीन कर सकता क्योंकि प्रेशर नहीं है, ये केवल बस उस पर घूम रहा है। बट 20,000 में इट इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप अकेले रहते हैं और टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर ये कहीं अटक भी गया तो आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो बार बार इसके पीछे भी चलते रहने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि देर इज़ सम एरर, तो आप इसको जा करके ठीक कर सकते हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस रोबोटिक मॉप। रिव्यू कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर ऐसे ही घर के इक्विपमेंट्स की जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसकी रिव्यू चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।